नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान। गोवा में 9 दिनों तक चले भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का बुधवार शाम एक भव्य समारोह के साथ समापन हो गया। वैश्विक सीमाओं और विभाजित भौगोलिक क्षेत्रों में मनुष्य की अविभाजित प्रेम, प्रतिस्पर्धा, स्वप्नशीलता और विपरीतताओं पर विजय पाकर आगे बढ़ने की प्रेरक कहानियाँ एक पल में दूरियों को मिटा देती हैं। दुनिया भर में सामयिक विषयों पर बनने वाली फिल्में अपने कथ्य और सिनेकला के किस पड़ाव पर हैं, ये बात युवा और संभावनाशील फिल्मकारों के लिए उनकी राह चुनने में मददगार साबित होती है और विश्व सिने धरोहर से दुर्लभ और ज़रूरी फिल्मों को एक ही श्रृंखला में देख सकने और प्रशिक्षित होने का अवसर भी ये फिल्म फेस्टिवल उपलब्ध कराता है। फिल्में देखने के अलावा ये फिल्मोत्सव फिल्मों के व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों, फिल्म कला से जुड़े लोगों के साथ मास्टर क्लासेस, फिल्म प्रेमियों का एक ही परिसर में संवाद, अलग अलग विषयों पर सेमिनार और डिस्कशन के अवसर उपलब्ध कराता है। बात करेंगे इफ़ी के महत्व, यहाँ चलने वाली हलचलों, इसमें हिस्सा लेने वाले उत्साही फिल्म बिरादरी और इफ़ी के बहाने फिल्मों के व्यवसाय पर। इसके साथ ही यहाँ कुछ फिल्मों की भी चर्चा होगी जिन्हें दर्शकों ने इफ़ी 2018 में खूब सराहा। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। फिल्में सिर्फ मनोरंजन का जरिया नहीं है, बल्कि देखें तो साफ लगेगा कि सांस्कृतिक मेलजोल से लेकर सभ्यताओं को समझने का माध्यम भी है। 9 दिनों तक गोवा के पणजी में चले 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दौरान भी यही देखने को मिला। इस दौरान भारत और दुनिया भर से जुटे फिल्मों के चाहने वालों को भारतीय क्षेत्रीय फिल्मों के अलावा दुनिया भर की लोकप्रिय और मशहूर फिल्में देखने का मौका मिला। इस फिल्म महोत्सव में यूक्रेनियन फिल्म डॉनबास को गोल्डन पीकॉक से नवाजा गया, जबकि मशहूर फिल्म लेखक सलीम खान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा अलग अलग श्रेणियों में चुनिंदा फिल्मों को पुरस्कृत भी किया गया। आइए देखते हैं इस फिल्म समारोह से जुड़ी खास बातों को। ये झलकियां हैं फिल्मों के महाकुंभ भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की। ९० नवंबर को गोवा के पणजी में शुरू हुए इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्म हस्तियों के अलावा दुनिया के अन्य देशों से आए फिल्म कलाकारों, निर्देशकों और समीक्षकों की मौजूदगी ने इस महोत्सव को बेहद खास बना दिया। हर साल नवंबर की 20 तारीख से आयोजित होने वाला भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कई मायनों में अनूठा होता है। यह न सिर्फ भारत में बनने वाली बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों के प्रदर्शन और समीक्षा के लिए मंच उपलब्ध कराता है, बल्कि दुनिया के कोने कोने में बनने वाली फिल्मों से उनकी तुलना करने और दुनिया के नामचीन निर्देशकों, फिल्म कलाकारों के साथ विचार और कला को साझा करने का शानदार अवसर भी उपलब्ध कराता है। सिनेमा के हर विद्यार्थी के लिए यहाँ कुछ न कुछ होता है। यही कारण है कि इसमें शामिल होने या देखने के लिए देश विदेश के सिनेमा प्रेमी पहले से नजरें गड़ाए रहते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह यानी इफ़ी के आयोजन की जिम्मेदारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय संभालता है। समारोह के उद्घाटन पर सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने समारोह में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि फोकस कंट्री इजराइल है। इस मौके पर जाने माने इजरायली फिल्म निर्माता डॉन वॉलमैन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं समारोह की शुरुआत में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी को श्रद्धांजलि दी गई। इस बार समारोह की थीम को द जॉय ऑफ सिनेमा का नाम दिया गया, जिसका मकसद था फिल्मों की दुनिया में मजबूत होते भारत को दिखाना और सिनेमा की अलग अलग शैलियों के जरिए न्यू इंडिया के विषय में दुनिया को बताना। इफ़ी 2018 इसलिए भी खास रहा क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों फिल्मों का वर्ल्ड प्रीमियर हुआ। द एस्पन पेपर्स ओपनिंग और सील्ड लिप्स क्लोजिंग फिल्म रही।
पूरे महोत्सव के दौरान 68 देशों से आई कुल 212 फिल्में दिखाई गईं, जिनमें 15 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन सेक्शन की थीं। इनमें 3 भारतीय फिल्में भी शामिल थीं। इंडियन पैनोरमा में जूरी द्वारा शामिल 26 फीचर और 21 नॉन फीचर फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों के चयन में क्षेत्रीय भाषा को ध्यान में रखा गया। इसके साथ ही स्टेट फ्रेंडली के तौर पर झारखंड को शामिल किया गया। इसमें झारखंड की 7 फिल्मों का प्रदर्शन हुआ, जिसमें वहां की संस्कृति पर खासा जोर था। फिल्म महोत्सव में 24 नवंबर झारखंड दिवस के रूप में मनाया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत 1952 में हुई। इस पहले इफ्फी का आयोजन फिल्म डिवीजन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मकसद फिल्म बनाने की कला और उसे प्रोजेक्ट करने के लिए दुनिया भर में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक खास मंच प्रदान करना है। देखिए, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की शुरुआत हुई थी और इसमें हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बहुत भूमिका थी। पहला महोत्सव जो था वो बम्बई में हुआ, उसके बाद उसे दिल्ली लाया गया और 10-15 साल से गोवा में हो रहा है। आप देखिए, 50 के दशक का जो पूरा हमारा सिनेमा है वो 1952 में बहुत हिस्टोरिकल मौका था। जवाहरलाल नेहरू खुद उद्घाटन के लिए आए थे और ये हुआ है उस समय की जो फिल्में दिखाई गई, बाइसिकल थीव से एक बहुत मशहूर फिल्म थी जो भारत में स्क्रीन हुई, भारत के फिल्म मेकर्स ने वो फिल्में देखी और उससे बहुत उनको प्रेरणा मिली और कई फिल्में उसके बाद में जैसे दो बीघा ज़मीन या राज कपूर की जो फिल्में आई हैं वो उस प्रेरणा से आगे निकल के आई। अपनी शुरुआत से आज तक ये फिल्मोत्सव देश की संस्कृति विरासत को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता रहा है। साथ ही साथ इस मंच पर दुनिया की दूरियां भी सिमटी हैं, जिसने दूसरे देशों से आए फिल्मकारों को भी एक अद्वितीय मंच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दुनिया भर के फिल्म महोत्सव उन फिल्मों को भी देखने दिखाने का मंच है जिन्हें बाजार और वितरण के दबावों से परे बनाया जाता है। कई फिल्में तो सिर्फ इन फिल्मोत्सवों में ही देखी दिखाई जाती और सराही जाती रही हैं, इसलिए दर्शक बड़ी बेसब्री से बॉक्स ऑफिस से अलग इनका इंतजार फिल्म फेस्टिवल्स में करते हैं। यहाँ चुनकर दिखाई जाने वाली फिल्में विषय प्रधान और अपने निर्माण में कई प्रायोगिक पक्ष लिए हुए होती हैं। आइए नजर डालते हैं इफ्फी 2018 में दिखाई गई कुछ चर्चित फिल्मों पर। രാത്രിയിൽ ഈ തോണി എടുത്തിട്ടുള്ള ചുറ്റല് അത്ര നല്ലതിനല്ല മോനെ. പോളെപ്പോഴാ പൊന്തി വരികയെന്ന് ആർക്കാ അറിയാ. जाने माने मलयाली फिल्मकार शाजी एन करुण की फिल्म ओलू से इंडियन पैनोरमा के फीचर सेक्शन की शुरुआत हुई। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे मारकर बैकवाटर्स में फेंक दिया जाता है, लेकिन वो फिर भी बच जाती है और सिर्फ पूनम की रात में निकलती है। ऐसी ही एक रात उसकी मुलाकात वासु नाम के एक नौसिखुआ पेंटर से होती है। इसके बाद शुरू होती है रिश्तों की एक नई पहेली। इसी तरह इंडियन पैनोरमा के नॉन फीचर सेक्शन की उद्घाटन फिल्म खरवस रही। ये आसावरी नाम की एक महिला की कहानी है जो प्रसव के समय अपने शिशु को खो देती है और इस दुख से उबरने के क्रम में अपने मायके चली जाती है। मायके में आसावरी को अपने दुख से उबरने का एक मार्ग दिखता है जो उसके लिए जीवन की शिक्षा है। मराठी फिल्मकार आदित्य सुहास जांबले ने एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति को फिल्म के पर्दे पर पेश किया है। मराठी में बनने वाली फिल्में पिछले कुछ वर्षों से अपनी अभूतपूर्व व्यावसायिक और कलात्मक गुणवत्ता के लिए फिल्म प्रेमियों का ध्यान खींच रही हैं। पहले सैराट और कोर्ट जैसी फिल्में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी खूब सराही गई हैं और पिछले साल नट सम्राट को यहाँ फिल्म महोत्सव में दर्शकों ने खूब पसंद किया था। फिल्म फेस्टिवल के अंदर आपको भारत की तमाम और भाषाओं की फिल्मों को देखने का मौका मिलता है और हमें पता चलता है कि हमारी सिनेमा की जो संस्कृति है, सिनेमा की जो कल्चर है वो कितनी ज़्यादा रिच है, कितनी ज़्यादा फैली हुई है। वो केवल बम्बई के कुछ सितारों तक सीमित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर आपको भारत भर की फिल्में एक जगह पर देखने को मिलती हैं और कई बार बड़े स्क्रीन पर, बड़े पर्दे पर उन फिल्मों को देखने का मौका शायद हमें पहली बार और आखिरी बार उसी जगह पर मिलता है। तो इसीलिए पैनोरामा की फिल्में वहाँ पे जो स्क्रीन होती है, जिनका सिलेक्शन होता है, वो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मौका है। मराठी की ही फिल्म आमिदोगी एक स्त्री प्रधान फिल्म है। चुस्त कथानक और कुशल अभिनय से फिल्म को दर्शकों ने हाथों हाथ लिया। गौरी देशपांडे की पटकथा का निर्देशन प्रतिमा जोशी ने किया है।
इंडियन पैनोरमा की फीचर और नॉन फीचर फिल्मों में भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में बनने वाली फिल्मों ने बदलते समय की तस्वीरें पेश की और कहानी कहने के विविध तरीके सामने रखे। पिछले सालों में कई ऐसी फिल्में हैं जो कि फिल्म बाजार से निकल के गईं और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो आप जैसे तितली का उदाहरण देख सकते हैं, जो कन्नू बहल की फिल्म थी जो बाद में कान फिल्म फेस्टिवल तक पहुंची है, वो फिल्म बाजार से ही होकर गई थी। इस साल जो मुंबई फिल्म फेस्टिवल में फिल्म सेलेक्ट हुई है, टोरंटो भी गई है, मर्द को दर्द नहीं होता, फिल्म बाजार से ही होके निकली है। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो कि फिल्म बाजार से होके निकली और जिसने फिर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में नाम कमाया। तो रीमा दास की नई फिल्म भी अभी इस साल दिखाई जा रही है, बुलबुल कैन सिंग, जो बहुत पसंद की जा रही है। तो एक तरफ उनकी पिछली साल की फिल्म है जो कि ऑस्कर के लिए लड़ाई लड़ेगी और वो अपनी अगली फिल्म लेके आ गई हैं। वैश्विक पटल पर फिल्मों का अनुभव दर्शकों के लिए बहुत समृद्ध करने वाला रहा। पुरानी क्लासिक रेस्टोर्ड फिल्मों के अलावा होमेज और कलाइडोस्कोप की फिल्में तो आकर्षण का केंद्र रहीं। अभी हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीतकर आई ईरानी फिल्म थ्री फेसेस फिल्म फेस्टिवल में भीड़ बटोर कान में ये फिल्म पामादौर अवार्ड के लिए नामांकित हुई थी। प्रख्यात ईरानी फिल्मकार जाफर पनाही की ये फिल्म अभिनेत्री बहनाज जाफरी की यात्रा से शुरू होती है। फिल्म में बहनाज जाफरी एक पॉपुलर एक्ट्रेस है जिससे वीडियो मैसेज के जरिए एक लड़की कहीं दूर मदद चाहती है ताकि उसे उसके रूढ़िवादी परिवार से मुक्त कराया जाए ताकि वो खुली हवा में सांस ले सके। अपनी फिल्म भाषा और संवेदना में दो और फिल्में नया अनुभव छोड़ गईं। सुलेमान माउंटेन, एलिजाबेथा इस्तेशोवा की यह फिल्म किर्गिजिस्तान के स्थानीय जीवन की मान्यताओं और सुंदर दृश्यों को ड्रामाई अंदाज में सामने लाते हैं। और यूक्रेन की व्हेन द ट्रीज फॉल, ये फिल्म भी वैश्विक उथल पुथल के बीच मुक्ति की आकांक्षा की कहानी पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिल्म फेस्टिवल में हर साल ऐसा कुछ नया जुड़ता रहता है जो दर्शकों के फिल्म अनुभव को समृद्ध बनाता है। इफी 2018 भी ऐसे कई नए सेक्शंस के लिए याद किया जाएगा जिनमें दिखाई जाने वाली फिल्मों से विषयों की विविधता और फिल्म कला की विभिन्न धाराओं का परिचय मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बिरादरी भी इस फिल्मोत्सव को नए खंडों के लिए याद करती है और ये बड़ी सावधानी और जिम्मेदारी से किया जाने वाला काम है जो एक ओर दर्शकों की अपेक्षाओं का ध्यान रखता है और दूसरी ओर वैश्विक प्रतिनिधित्व को भी ओझल नहीं होने देता। भारत के 49वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सभी स्थापित खंडों के अलावा 6 नए फिल्म खंड शामिल किए गए। इसका उद्देश्य फिल्मों की समझ का विस्तार करना और फिल्म एप्रिसिएशन की संस्कृति को सुदृढ़ करना है। एक सांस्कृतिक अनुभव के रूप में फिल्म एक समेकित कला माध्यम है जिसमें देशों की विविध संस्कृति, साझा स्मृतियां और फिल्म निर्माण की विभिन्न धाराएं एक जगह आकर मिलती हैं। आइए नए फिल्म खंडों पर एक नजर डालते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो डिस्क्राइब्ड फिल्मों का सेक्शन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से पुरस्कृत फिल्म कलाकारों की फिल्मों का रेट्रोस्पेक्टिव, खुले मैदानों में खेलों से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन, ICFT यूनेस्को गांधी मेडल सेक्शन, स्टेट ऑफ फोकस सेक्शन, स्केच ऑन स्क्रीन सेक्शन जिसमें एनिमेशन फिल्मों का खंड शामिल किया गया। एक तो जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो भी इस फिल्मों का आनंद उठा सकें, दूसरा खेल उससे संबंधित जो फिल्में हैं, क्योंकि पिछले दिनों खेलों को लेकर काफ़ी अच्छी फिल्में बनी और जिनको की बहुत चर्चा भी हुई, उन फिल्मों को भी शामिल किया गया। नए फिल्म खंडों के अलावा वर्ल्ड पैनोरमा खंड हर साल इस फेस्टिवल के लिए खास तौर पर क्यूरेट किया जाता है। इस बार इस सेक्शन में 67 फिल्में दिखाई गईं जिनमें 15 देशों की ऐसी फिल्में भी शामिल थीं जो ऑस्कर में नॉमिनेट हुई। साल 2018 स्वीडिश फिल्मकार इंगमार बर्गमैन का जन्म शताब्दी वर्ष भी है, इसलिए वाइल्ड एट हार्ट मास्टर इन हिज क्राफ्ट रेट्रोस्पेक्टिव सेक्शन में यहां इंगमार बर्गमैन की 7 फिल्में दिखाई गईं और बर्गमैन आइलैंड नाम की एक डॉक्यूमेंट्री में बर्गमैन के जीवन और कर्म को नजदीक से देखा जा सका। हम समझते हैं कि सिर्फ हम दो तीन देशों के से हम समझते हैं कि वही फिल्में बनती हैं, कि हॉलीवुड है अपना UK में बनती हैं या फ्रांस में बनती हैं या स्वीडन सिनेमा बहुत वो है, और इस साल तो विशेष रूप से जो इंगमार बर्गमैन जिन्होंने बहुत क्लासिक फिल्में बनाई थी
उनका भी रेट्रोस्पेक्टिव था, उनको श्रद्धांजलि के तौर पर दिया गया। और कालजयी फिल्मों के निर्माता थे वो। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार एक सुगबुगाहट उन लोगों को लेकर भी हुई जो देख भले न सकते हों लेकिन फिल्में देखने का जिन्हें बहुत शौक है। देश में लगभग 1.25% दृश्य बाधित लोग प्रदर्शनकारी कलाओं से वंचित रह जाते हैं, जिनमें फिल्में भी शामिल हैं। फिल्में देखते हुए जिन विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को अब तक अपने परिचितों और मित्रों से सहयोग लेना होता था, उन्होंने पहली बार इस फिल्मोत्सव में शोले और हिच की फिल्में ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ देखी। द ICFT यूनेस्को गांधी मेडल सेक्शन में दिखाई गई फिल्में उन पुरस्कृत फिल्मों का गुलदस्ता रहीं जिनमें गांधी जी की ओर से प्रस्तावित आदर्शों और उनके द्वारा स्थापित जीवन मूल्यों को प्रभावशाली ढंग से पिरोया गया था। ये पुरस्कार यूनेस्को की संस्था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म टेलीविजन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और इफ़ी संयुक्त रूप से तय करते हैं। ये वर्ष जो है महात्मा गांधी के 150वीं वर्ष मनाई जयंती मनाई जाएगी, तो उस सिलसिले में एक उस उनको भी वो करने के लिए गांधी मेडल का भी प्रयोजन किया गया। गांधी जी के ही महत्व को रेखांकित किया महात्मा गांधी पर केंद्रित यहाँ लगी मल्टीमीडिया डिजिटल प्रदर्शनी ने। द महात्मा ऑन सेलुलाइट प्रदर्शनी में महात्मा गांधी का जीवन ही उनका संदेश था ये बात दिखाई गई। ये प्रयास इस दिशा में बहुत महत्व का रहा कि देश के अलावा विदेश से भी आए दर्शक और गांधी जी में रुचि रखने वाले लोग उनके जीवन और कर्म का रोचक ब्यौरा छायाचित्रों, रेखांकनों और प्रेरक कथनों से जान सके। गांधी जी से परिचित कराता ये पंडाल कई आधुनिक माध्यमों से सुसज्जित था। ये मल्टीमीडिया डिजिटल एग्जीबिशन युवाओं के लिए भी खासे आकर्षण का केंद्र सिद्ध हुई। यहाँ उन फिल्मों के पोस्टर भी बहुत सुंदर ढंग से प्रदर्शित किए गए जिनमें गांधी जी केंद्रीय विषय रहे। ऐसी फिल्मों की झलकियाँ भी यहाँ प्रदर्शित की गईं जिनमें गांधी जी की प्रेरणाएँ, उनका जीवन दर्शन और वो आदर्श प्रदर्शित किए गए जिनसे वैश्विक और भारतीय जनमानस शक्ति अर्जित करता है। इरफान, राज्यसभा TV। भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनती हैं। हर साल 1.5 से 2 हज़ार के करीब फीचर फिल्में और छोटी फिल्में रिलीज़ होती हैं। बीते कुछ वर्षों से तकनीकी प्रगति के चलते फिल्मों की कमाई में बेशुमार बढ़ोतरी हुई है। आपको छोड़े जाते हैं इस पैकेज के साथ, स्टोरी के साथ। देखते रहिए विशेष, देखते रहिए राज्यसभा TV। ये हाथ हमको दे ठाकुर। कई भाषाओं में फैला फिल्मों का बाजार भारत को अनूठा मुल्क बनाता है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्में भारत में बन रही हैं। भारत में 20 से भी ज्यादा भाषाओं में हर साल करीब 1.5 से 2 हज़ार फिल्में बनाई जाती हैं। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है। हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला और मराठी में सैकड़ों फिल्में बन रही हैं। यही नहीं, फिल्मों की कमाई में भी हर साल भारी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 2010 में भारतीय फिल्म उद्योग का आकार 83.3 अरब रुपए था, जो 2012 में बढ़कर 112.4 अरब रुपए और 2014 में 126.4 अरब रुपए हो गया। ये आंकड़ा 2015 में 138.2 अरब और 2016 में 122 अरब रुपए रहा। वहीं 2017 में यह आंकड़ा 156 अरब रुपए पहुंच गया। अनुमान के मुताबिक 2018 तक ये बाजार 193 और 2020 तक 238 अरब रुपए हो जाएगा। 2017 में 27% की दर से फिल्मों का बाजार बढ़ा। जिस 30 वर्षों में, क्योंकि ये मार्केटिंग का ईरा है, ये पूरा का पूरा इस वक्त कंज्यूमरिज्म है, उसमें मार्केटिंग एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो उसमें भी हर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में एक मार्केटिंग सेक्शन होता है जहाँ पर फिल्मों का आदान प्रदान होता है, जहाँ आप दूसरे देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, आप अपनी फिल्में उनको देंगे, वहाँ से वो फिल्में आपको देंगे। तो ये एक अच्छा कदम है और ये बहुत सक्सेसफुल है। उसकी वजह से हमारी भारतीय फिल्मों की पहचान विदेशों में बहुत बड़ी है। भारत में सबसे बड़ा बाजार हिंदी फिल्मों का है। अगर बॉक्स ऑफिस पर हुई कमाई के लिहाज से देखें,
तो इसमें हिंदी फिल्मों का हिस्सा 43% है, जबकि तमिल फिल्मों का 19, तेलुगु का 17 और अन्य भारतीय फिल्मों की हिस्सेदारी 14% है। 7% कमाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की होती है। बीते कुछ वर्षों से 100 करोड़ कमाने वाली भारतीय फिल्मों की संख्या लगातार बढ़ी है। 2009 में सूची में महज एक फिल्म थी, 2010 में ऐसी फिल्मों की संख्या बढ़कर 2 हो गई, वहीं 2011 में 5, 2012 में 9 और 2013 में 8 हो गई। 2014 में 9 और 2015 में 7 फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई की, यानी 100 करोड़ रुपए कमाई करने वाली फिल्मों की तादाद अब औसतन हर साल 7 से 8 हो गई है। बहुत बड़ा बाजार है जो कि हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों से मिलकर बनता है, तो उसको अगर आपको पकड़ना है तो आपको देश की हर भाषा के अंदर बन रहे सिनेमा को मजबूत बनाना होगा। इसमें थोड़े राज्य के समर्थन की भी ज़रूरत है, और एक बार अगर राज्य का समर्थन मिलेगा तो जैसे अभी रीमा दास हमारे सामने आई हैं, ऐसे बहुत बहुत सारे फिल्म मेकर्स हमारे सामने आएंगे निकल के जो बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट का बाजार इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ रहा है। सालाना 16.5% की दर से यह उद्योग आगे बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि 2017 से 2021 तक इसमें 17% से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। मल्टीप्लेक्स की संख्या बढ़ रही है और अब छोटे शहरों में भी इसकी पहुंच बन रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत में फिल्मी पर्दों का अभाव साफ दिखता है। यहां प्रति 10 लाख आबादी पर 6 फिल्मी पर्दे ही हैं। चीन में ये संख्या 23, अमेरिका में 126 है। छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन सिनेमा घर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, लेकिन उतनी ही तेजी से मल्टीप्लेक्स का विस्तार नहीं हो रहा। इस वक्त सिर्फ 4 कंपनियों का मल्टीप्लेक्स के बाजार पर कब्जा है। 70% स्क्रीन इन्हीं के पास है। 2016 के आखिर तक देश में करीब 6000 सिंगल स्क्रीन थे, वहीं करीब 2500 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन थे। 2019 तक देश में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन की संख्या 3000 के पार हो जाएगी। 2017 में 96.3 अरब रुपए की कमाई घरेलू सिनेमा घरों से हुई। 19 अरब रुपए की कमाई केबल और सैटेलाइट अधिकार बेचकर हुई। 25 अरब रुपए विदेशी सिनेमा घरों से फिल्मों को मिले। अन्य मदों से फिल्म उद्योग को 15.7 अरब रुपए की कमाई हुई। अब तो इस बाजार को एक बहुत आशा भरी नजरों से पश्चिम का सिनेमा मेकर्स फिल्म मेकर्स भी देख रहे हैं, तो अब एक नई लड़ाई का हम सामना कर रहे हैं जिसमें हॉलीवुड हमारे सिनेमा के इस बाजार पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, ये बहुत हमको अभी शायद इतना बड़ा खतरा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया भर की जो सिनेमा उद्योग है वो हॉलीवुड के इस खतरे के सामने अपने आप खड़े नहीं रह पाए हैं। बहुत चंद ऐसे सिनेमा उद्योग हैं जो कि अभी तक अपने दम पे, अपने कदमों पे खड़े हुए हैं और बॉलीवुड उनको हरा नहीं पाया है। भारत एक उन गिने चुने देशों में से एक है। दक्षिण भारतीय फिल्मों में तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। बाहुबली की सफलता के बाद तेलुगु फिल्म उद्योग की तरफ अब सबकी निगाहें हैं। लेकिन 2015 के आंकड़ों को देखें तो ऐसा लगता है कि चुनिंदा फिल्में भले ही मोटी कमाई करती हों, लेकिन एक क्षेत्रीय फिल्में ज्यादातर अपनी लागत भी नहीं वसूल पाती। 2015 में 203 तमिल फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से महज 18 ही अपनी लागत से ज्यादा कमा पाई। इसी तरह 2015 में 162 तेलुगु फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से 30 फिल्में ही अपनी लागत वसूल पाई। पश्चिम बंगाल में बीते 2.5 साल में सैकड़ों सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हुए हैं और इसका सीधा असर बंगाली फिल्म उद्योग पर हुआ। लगातार 3 साल से बंगाली फिल्म उद्योग घाटे में चल रहा है, लेकिन इस दौरान कई चर्चित बांग्ला फिल्म भी बनकर तैयार हुई जिन्हें दुनिया भर में सराहा गया। मराठी फिल्म उद्योग इस वक्त तेजी से तरक्की कर रहा है। 2015 में मराठी फिल्म उद्योग 40 से 45% की दर से आगे बढ़ा। पंजाबी, गुजराती, असमिया और भोजपुरी फिल्मों का बाजार भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जरूर है कि हमारे देश में जो अन्य भाषाओं में सिनेमा बन रहा है उसको लोगों तक पहुंचने में अभी थोड़ी मुश्किल होती है। कुछ सिनेमा इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को बहुत मजबूती के साथ में खड़ा किया है, जैसे बांग्ला सिनेमा इंडस्ट्री है, जैसे तमिल सिनेमा इंडस्ट्री है, जैसे पिछले कुछ सालों में मराठी फिल्मों ने बहुत अच्छा काम किया है।
लेकिन अभी भी ये देखा गया है कि थोड़ा सा स्टेट सपोर्ट, राज्य के समर्थन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मराठी सिनेमा को जिस तरह का राज्य का समर्थन मिला, तो बहुत अच्छी फिल्में पिछले कुछ सालों में मराठी सिनेमा से देखने को मिली हैं। तो क्या उसी तरह की समर्थन से हमारे देश की और भाषाओं में और क्षेत्रों से भी फिल्में आ सकती हैं? वहीं विदेशी फिल्मों की कमाई भी भारत में लगातार बढ़ी है। 2012 में विदेशी फिल्मों ने भारत में 4,800 करोड़ रुपए की कमाई की। 2013 में इसमें थोड़ी मंदी आई और विदेशी फिल्मों की झोली में महज 3,200 करोड़ रुपए आए। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 4,300 करोड़ रुपए और 2015 में बढ़कर 6,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।